हे hey फूडीज़ कैसे हो आप लोग तो ना मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों के साथ कितने टाइम से कोई रेसिपी नहीं शेयर की इसलिए मैं आपके साथ ना सीधा ही मैगी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ जो हम सबकी फेवरेट है और हम सबको ना इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है तो हम बनाने वाले आज कुछ यूनिक बट टेंशन मत लेना मैं फैंटा मैगी या मैगी मिल मिल्क शेक जैसा कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी होने वाला ये तो सबसे तो पहले मैंने एक बॉक्स ले लिया था और फिर मुझे ना याद आई हमारी स्कूल की मैगी जो जम जाती थी डब्बे में एकदम और फिर उसको तोड़ तोड़ के खाना पड़ता था तो जैसे नॉर्मली हम मैगी बनाते हैं उसको फिर मैंने बॉक्स में सेट कर दिया उसके बाद मैंने उसमें सेजवान कैचअप लगाई और उसको फैला दिया फिर मैंने चीज़ स्लाइस लिया एक एंड उसको उसमें सेट कर दिया एंड फाइनली लास्ट में मैगी फिर से लगा दी तो अब हमें इसे छोड़ना है दस से पंद्रह मिनट एकदम लंच बॉक्स वाली मैगी की तरह जमने के लिए तो अच्छे से जम जाएगा ये अगर ना जमे तो थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना तो जब ये अच्छे से जम जाएगा फिर ये ऑटोमेटिकली साइड छोड़ देगा थोड़ा सा नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लो एंड उसके बाद हमें नॉर्मली स्लरी बना लेनी है मैदे और कॉर्नफ्लोर वाली उसके बाद हमें अपने लंच बॉक्स में से मैगी को बाहर निकालना है एंड इसको मैंने फोर स्लाइसिस में कट कर दिया है इसके बाद जब ये अच्छे से कट हो जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी लेयर्स दिखेंगी मतलब जो हमने इसके अंदर चीज़ डाला था तो बेसिकली ये एक सरप्राइज़ बॉक्स है आप सबके लिए मतलब जिसको भी आप सर्व करोगे तो ये एक सरप्राइज़ होगा उनके लिए कि इसके अंदर क्या होने वाला है तो मैंने स्लरी में डिप किया है उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप किया है और अगर आपके पास इसके बाद टाइम है तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ देना एंड देन फ्राई कर देना तो यहाँ पर ना शाम का टाइम था और मैं फ्लैश में रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ये थोड़ी अजीब सी आई है क्वालिटी तो माइंड मत करना एंड अगर आपको मेरे मैगी सरप्राइज बॉक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और द फूडी फैमिली को सब्सक्राइब कर देना बाय बाय